टाइगर ऑल द बेस्ट टाइगर 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 वी लव यू टाइगर वी लव यू अ लॉट योर टाइग्रेंस फॉरएवर दिन तेरा होगा साल टाइगर का होगा वी लव यू टाइगर वी रियली लव यू एंड ऑफ कोर्स यू नो मी वेरी वेल वी हैव मेट येट बिफोर आई एम टाइगर की प्रिंसेस एंड ऑफ कोर्स वी लव यू आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ट्रेलर कैसा लगा It was really very amazing and there's lots of freshness in the, I'm expecting that the film would have. Movie ka trailer bahut zyada acha tha. It was like no words for us and trailer mein sabse best part to ye laga ye Jawani Hai Diwani song and Tiger's actions and his expressions kabaddi very awesome and Tara and Ananya both are killing. I think this movie is going to be super hit. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अवार्ड्स वॉन्ट बी इनफ फॉर हिम इट्स अमेजिंग और जितना भी लाइक एक्शन स्टंट डांस टाइगर ने किया एज यूजुअल इट्स रॉकिंग एंड ऑफ कोर्स टाइगर वी लव यू इट्स रियली वेरी ऑसम हाँ तो बताइए आपको ट्रेलर कैसा लगा लाइक जो फर्स्ट मिनट ऑफ द ईयर था उसके हिसाब से ये एज टाइगर श्रॉफ एंड अनन्या पांडे एंड तारा आई रियली लाइक्ड इट लाइक पहले कॉम्पिटिशन था जहाँ वरुण धवन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया भट्ट के लिए लड़ रहे थे And in this, it was like completely different. And Tiger Shroff के stunts जो movie में जिसके लिए वो known है सब लोग actually उसके लिए you know like inspired रहेंगे कि Tiger Shroff के stunts के लिए जाना है And it's Tiger Shroff, it's martial arts and all. So we'll definitely go and it's really good, really amazing, really worthwhile. Movie का trailer बहुत ही अच्छा था काफ़ी लोगों ने यहाँ पे cheer किया और मैं चाहता हूँ कि movie बहुत ही ज़्यादा hit जाए जैसा कि आप सबने देखा अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नए करेक्टर्स हैं नए रोल्स प्ले किए गए हैं उसमें तो बहुत अच्छा लगा अमेजिंग रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म और आई थिंक मैं तो फर्स्ट डे जाने वाला हूँ हाँ ट्रेलर से बहुत अच्छा ट्रेलर लगा मुझे और देखा है कि टाइगर एंड तारा अनन्या पहले का जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी उसमें आलिया एंड वरुण और सिद्धार्थ थे इसमें तारा अनन्या और टाइगर है बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से ट्रेलर को देखते हो तो मूवी वेजन बहुत अच्छी होगी बहुत शानदार लगा और इतना अच्छा लगा उसमें तारा सुतारिया अनन्या पांडे और टाइगर श्रॉफ का मतलब अमेजिंग कम्बिनेशन है और बहुत दिन के बाद करण जौहर ने एक फेस चेहरा को लॉन्च किया है और पार्ट वन भी मैंने देखे थे पार्ट टू भी बहुत यूनिक है और शानदार है बहुत अच्छा फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग फैबुलस फैंटास्टिक अनन्या पांडे और तारा सुतारिया इससे डेब्यू कर रही है तो इसके बारे में टेलिंग अबाउट द डेब्यू लाइक व्हेन वी रियली सी पीपल कमिंग अप न्यू जब नए लोग आते हैं तो जनरली वी आर नॉट दैट फेमिलियर टू दोज एंड पीपल उनको उतनी अच्छी तरीके से लाइक भी नहीं कर सकते लेकिन द वेव देव शोन अप इन दिस मूवी दे आर लाइक फैबुलस बोथ ऑफ देम इट इज़ नॉट कंपेयरिंग बिटवीन देम बट बोथ ऑफ देम आर रियली फैब एंड आई होप टाइगर वुड हैव लव्ड वर्किंग विद देम ऑल्सो दे आर लुकिंग प्रीटी गुड एंड आई अप्रिशिएट कि वो लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके अब अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा इतना बड़ा इतनी बड़ी मूवी उन्होंने इतने अच्छे करेक्टर्स के साथ की है तो आई रियली अप्रिशिएट दैट तो जैसे कि आपको पता है कि तारा और अनन्या हैं वो इस मूवी से डेब्यू करने जा रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है फर्स्टली यू नो विश देम ऑल द बेस्ट न्यू कॉमर्स देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम आई एम श्योर बट ऑफ कोर्स टाइगर है आई थिंक इट मेक्स अ गुड कॉम्बिनेशन एक एक्सपीरियंस है दो न्यू कॉमर्स है यू नो एंड ऑफ कोर्स टाइगर इज लाइक द न्यू एक्शन सुपरस्टार राइट नाउ सो विश देम इट्स वेरी गुड दे आर कम्पीटिंग एज वेल एज दे आर वेरी फ्रेश फेसेस एंड वेरी क्यूट पीपल इसमें देखो उन पहले तीन ने कहते लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही टाइगर तो है काफ़ी सारी मूवीज आ चुकी हैं बट इनके साथ दोनों का परफॉर्मेंस है तो जाहिर सी बात है कि तारा और अनन्या ने आई मीन उनको वो लॉन्च हुए हैं और एज एन अच्छे स्टार के साथ लॉन्च हुए हैं तो उन लोगों को एक्सपीरियंस मिला होगा मूवी का दोनों भी डिफरेंट है अपने दे बोथ आर वेरी यूनिक सो मैं तारा की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनको बचपन ही है बचपन से देखते आ रही हूँ वो टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं शी इज़ अ ग्रेट सिंगर बट अनन्या इज ऑल्सो रियली वेरी ऑसम एंड वो ऑफकोर्स चंकी पांडे की डॉटर है एंड चंकी सर की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दे बोथ आर लाइक डिफरेंट एंड ऑफकोर्स दोनों अपने यूनिक हैं सो उनको आगे भी हम लोग दूसरी मूवीज में भी देखेंगे बट स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इज़ वेरी स्पेशल
तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन के कंपेयर में आप टू को कहाँ देखते हैं? अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा लुक आ रहा है और सभी लोग का काम बहुत अच्छा लग रहा है और टाइगर से तो बेस्ट ऑफ लक। अभी मूवी देखी नहीं है, ट्रेलर बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है तो आगे पर देखते हैं कि मूवी कैसी लॉन्च होती है, बट हाँ बहुत अमेजिंग लग रहा है। ऑफकोर्स गोना बी डिफरेंट, पहले में दो लड़के थे और एक लड़की थी, इसमें दो लड़कियाँ और एक लड़का है, सो यू नो इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। जो कंपैरिजन की क्या बात है, उसमें भी उन लोगों ने सारी चीज़ें कंपटीशन वगैरह इसमें भी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। उन लोग कंपैरिजन तो रखेंगे कहाँ पहले क्या था और इसमें क्या है, बट डिफरेंट है, बट जॉयज एंड बेटर है, बहुत अच्छा। तो और टाइगर जैसे स्टंट और अपने डांसिंग के लिए बहुत फेमस है, तो आपका क्या कहना है इस फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू में कैसा? उसकी तो बात ही मतलब आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, ना ही कोई सवाल है, क्योंकि टाइगर खुद इतना एक टैलेंटेड है कि स्टंट है उसका, डांस है, ये सब है, तो ऑलरेडी कूट कूट के भरा हुआ है, तो उसकी एंट्री या उसका डांस उसके स्टंट औसम है, उसकी तो कोई कभी नहीं, और मूवी भी एकदम हिट होने वाली है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखने मिला डांस था, बहुत अच्छा था। हमारे भारत के वो ब्रूस ली हैं, ठीक है, जिसे ब्रूस ली हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और उनका स्टंट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आई एम रियली एक्साइटेड और मैंने जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है काफ़ी सारे स्टंट्स किए गए हैं विद स्पोर्ट्स के अंदर स्टंट्स किए गए हैं, तो वही देखना है कि अब स्पोर्ट्स में कैसे स्टंट जाएंगे सारे। Yeah, he looks very good and I think his performance in the trailer was also amazing. So, I think the film would be very, very good. Tiger, Tiger, love. We love you, Tiger Shop. We love you, Tiger. Love you so much. Like, you are my heartbeat if you're listening this. So, ye movie box office pe hit rahegi? Blockbuster. I totally agree. Blockbuster. Even I agree. Okay, तो ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा, मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट होगी या नहीं? Fantabulous, fantabulous, fantabulous. Just amazing, just amazing. एकदम हिट, we loved it. Of course, I mean no doubt in it. It's like मैं 5 में से 5 क्या उसको out of 100% जितना भी हो totally देने के लिए तैयार हूँ, because the trailer अभी इतना धमाका हुआ है तो आगे तो और धमाका होना बाकी है, like 2019 की blockbuster हिट होगी। करण जो है धमाका प्रोडक्शन का है और ऐसे ही वो इनकी फिल्म बहुत अच्छी आती है और टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म 2+ 200 से ज़्यादा कमाएगी और बहुत अच्छी आ जाएगी ये मूवी। आई एम श्योर हिट जाने वाली है, एक ब्लॉकबस्टर रहेगी, आई एम श्योर ये ब्लॉकबस्टर है। ऑफ कोर्स होगी, आई मीन इट्स धर्मा, इट्स टाइगर, इट्स अनन्या, इट्स एंड ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड स्क्रिप्ट। हाँ सुपर हिट रहेगी, जाहिर सी बात है यार, वो खुद एक मैं तो खुद उसको बैंकर एक्टर बोलता हूँ, बैंकर ही बोलता हूँ, 100 करोड़ तो उसे कहीं नहीं गए।